you know, there is a time when you have to describe the characteristic of other people. Although those characteristics are negative, but it's important not to use the negative words and negative expression to describe those characteristics. So instead, using some positive vocabulary and positive words to describe those characteristics. Although those characteristics are negative, but it's important, it's very necessary to improve your vocabulary and to use the correct words and to use the positive words to describe those characteristics. So our today's lesson is all about this. My name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. So let's start our lesson. Our first word is exclusive. Exclusive. It happens that one of our friend, it could be one of our friend, he or she could be very explosive, very active and very energetic, or make a lot of sound, very loud person. So hum log usse bajaye iske liye kahenge ki he or she is very explosive person. और जब हमने उसको कहना होगा कुछ कि यू हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी, तो हम इस वर्ड को यूज करने के बजाय, दिस एक्सक्लूसिव वर्ड को यूज करने के बजाय, वी कैन यूज अ वर्ड ऑफ ड्रामेटिक. ड्रामेटिक इज आल्सो, आई कैन नॉट से दैट इट्स अ 100% पॉजिटिव वर्ड, बट इट्स अ बेटर वर्ड देन एक्सक्लूसिव. You have an exclusive personality. If you say this word exclusive to your friend or to your cousin or to any other person, you would get annoyed. It's obvious if you listen this word, this harsh word about your personality, you would get annoyed and angry. So if you say that you have a dramatic personality, so dramatic pa hamare positive bahut se meanings aa jate hain, to hum log usko thoda sa positive sense mein lenge. So instead of saying that you have an explosive personality, we can use this word, you have a dramatic personality. Our next word is hyperactive. Hyperactive is someone, the same meaning is someone is very active, full of energy, he always yells, he doesn't want to listen to the other people, he always screams, and active beyond the boundaries, active beyond the normal tendency. So usko hum kaise kehte hain, hyperactive. But कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस वर्ड को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पेरेंट्स के सामने ये बात करेंगे कि योर सन और योर डॉटर इज वेरी हाइपर एक्टिव, उसे ऑब्वियसली गुस्सा आ जाएगा कि मेरे बेटे के बारे में, मेरी बेटी के बारे में ये नेगेटिव वर्ड क्यों यूज हो रहा है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाइपर एक्टिव, यू कैन यूज अ पॉजिटिव टर्म दैट इज एनर्जेटिक. इफ यू यूज दिस टर्म एनर्जेटिक फॉर एनी पर्सन, तो वो इस चीज को पॉजिटिव वे में लेगा. सो योर सन इज वेरी एनर्जेटिक. आज हमारे माइंड में ये होगा कि हमने उसे ऐसे डिस्क्राइब करना है कि वो फुल ऑफ एनर्जी है, ही ऑलवेज येल्स एंड स्क्रीम्स. तो हम लोग उसे कैसे कहेंगे, ही इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन. नेक्स्ट वर्ड इज पुअर प्लानर. पुअर प्लानर, काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लानिंग में ठीक नहीं होते हैं, उनकी काफी पुअर प्लानिंग होती है. एंड यू नो दैट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द डिसीजंस एंड फॉर एनी प्रोजेक्ट, टू डू एनीथिंग. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, प्लानिंग. एंड अ पर्सन ही शुड, यू और शी शुड बी अ गुड प्लानर. तो अगर हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं और हमारे मैनेजर हमें ऐसे कहेंगे कि यू आर अ पुअर प्लानर, तो हम इस चीज को नेगेटिव वे में लेंगे, क्योंकि इट्स अ नेगेटिव एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन. तो हम बजाय इसके कि पुअर प्लानर का वर्ड यूज करें, हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि प्रेजेंट फोकस्ड. के आप प्रेजेंट फोकस्ड है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, देन यू शुड हैव अ गुड प्लानर, नॉट द पुअर प्लानर. ए प्लानर, अ पर्सन हु शुड थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज, कि उसे बाउंड्रीज से दूर जाके सोचना पड़ता है, उसे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है. ये नहीं होता कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो आप आज के बारे में सोचो, आपको कल के बारे में सोचना होता है. तो इफ अ मैनेजर से डेट यू आर अ प्रेजेंट फोकस्ड पर्सन, देन यू विल नॉट टेक इट एज नेगेटिव एज ही से डेट यू आर अ पुअर प्लानर. अवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसऑर्गेनाइज्ड. डिसऑर्गेनाइज्ड मीन्स हम काफी चीजों को लेके बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज होते हैं. आप भी डिसऑर्गेनाइज हैं, मैं भी डिसऑर्गेनाइज हूँ, हर इंसान कहीं ना कहीं आके डिसऑर्गेनाइज हो जाता है. जस्ट लाइक आई एम डिसऑर्गेनाइज विद माई थॉट्स, कि मैं अपने थॉट्स को लेके काफी डिसऑर्गेनाइज हूँ. और वन ऑफ माई फ्रेंड इज डिसऑर्गेनाइज,
मेरी फ्रेंड जो है वो काफी डिसऑर्गेनाइज है रिगार्डिंग हर क्लोथ रिगार्डिंग हर शूज, तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं करेंगे, हम उसके जगह क्या यूज कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंशियस एंशियस. इट हैपन्स इन आवर लाइफ दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट एंशियस एंड इट बिकॉज वेन वी हैव टू टेक सम बिग डिसीजन अबाउट आवर लाइफ अबाउट आवर प्रोजेक्ट्स अबाउट द अबाउट आवर फैमिली सो वी गेट एंशियस एंड इट कम्स फ्रॉम एंजाइटी फुल ऑफ नर्वसनेस द फीलिंग ऑफ नर्वसनेस. We have butterflies in our stomach whenever we have to take some big decisions about our life, about something else. तो हम लोग वहाँ पे क्या use कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे कहते हैं कि anxious है नहीं, anxious की जगह हम लोग cautious का word use कर सकते हैं कि we are cautious about this project, we are cautious about taking these decisions. Our next word is short attention span. Short attention span. आपका ऐसा काफी दफा ऐसे होता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए किसी चीज पे फोकस कर सकते हैं, वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी चीज के ऊपर किसी टास्क के ऊपर या किसी कन्वर्सेशन पे फोकस नहीं कर सकते, उनके अंदर ये हैबिट ही नहीं होती कि वो उस चीज के ऊपर फोकस कर सके. सो अगर आपके पास कोई पेरेंट्स है, अगर सपोज स्कूल में आप जाते हैं टीचर है और आपका कोई बेबी है और टीचर आपको ये कहता है कि योर बेबी इज शॉर्ट अटेंशन स्पैन, तो आपको गुस्सा आ जाएगा उस चीज के ऊपर क्योंकि इट्स अ नेगेटिव एक्सप्रेशन टू से समथिंग. तो उसकी जगह टीचर क्या कह सकती है, वो ये कह सकती है कि योर चाइल्ड हैज मैनी इंटरेस्ट के ही कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट वर्ड इज स्टबर्न. स्टबर्न इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, वेरी नेगेटिव वर्ड. Stubborn is a person who doesn't want to listen to the other people, who doesn't want the advice from the other people. He has his own set of thoughts. Means you can say that he doesn't want to budge. He doesn't want to budge, and he doesn't want to change his attitude and behavior. So usko hum kya kahenge ki he is very stubborn. काफी जगहों पे ये यूज होता है स्टबर्न का वर्ड, तो स्टबर्न इज अ नेगेटिव वर्ड, उसकी जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो कि ही और शी इज परसिस्टेंट परसिस्टेंट. नेक्स्ट वर्ड इज इरिस्पॉन्सिबल. इरिस्पॉन्सिबल इज अ नेगेटिव वर्ड टू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी. बहुत से लोग काफी इरिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सी चीजों को लेके, तो इरिस्पॉन्सिबल की जगह आप केयर फ्री का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके मैनेजर और आपके जो टीम लीडर है वो आपको ऐसे कहते हैं कि यू आर इरिस्पॉन्सिबल. ऑब्वियसली यू गेट समटाइम यू गेट अनॉयड और समटाइम यू गेट डिसअपॉइंटेड और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा डाउन चला जाता है, तो क्योंकि इरिस्पॉन्सिबल इज अ नेगेटिव वर्ड. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इरिस्पॉन्सिबल वर्ड वी शुड यूज द वर्ड ऑफ केयर फ्री, डेट यू आर केयर फ्री पर्सन. It's little bit positive than irresponsible word. Next word is loud. If someone is loud, he always screams and yells on everything. He doesn't want to listen to the other people. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Loud. You are very loud. She is very loud. My cousin is very loud and I am very loud. So हम उसके लिए क्या word use कर सकते हैं? Enthusiastic. Enthusiastic. It's a positive. It's a very positive word. To describe the behavior, to describe the characteristic of a personality. So loud की जगह हम लोग enthusiastic का word use कर सकते हैं. So आज के lesson में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कौन से negative behavior vocabulary को remove कर सकते हैं अपनी vocabulary से और कौन से positive word हम उनकी जगह पे use कर सकते हैं. So try कीजिएगा कि इन सारे words को, जो positive words हैं, ये सारे positive words हैं, इनको अपनी वोकैबुलरी में, इनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करें. सो इससे ये होता है कि काफी दफा आपको आपकी एक तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है और दूसरी चीज आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है कि जब आप किसी के सामने इन चीजों इन वर्ड्स को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज नेगेटिव वर्ड्स, तो आपके रिलेशनशिप भी ज्यादा होते हैं और आपके रिलेशनशिप खराब नहीं होते किसी के साथ. So I hope you like this lesson because you have learned a lot from this lesson. If you like this lesson, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.